हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2024 19th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आया है आपको पता चल ही गया होगा। तो उसमें कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं टू फिल दिस फॉर्म और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है टू फिल दिस फॉर्म, तो उस पर हम बात करेंगे और ये प्रोसेस देखेंगे कैसे कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करना है। तो बी विथ मी टिल इन दिस वीडियो। सो पहले आपको यहाँ पे देखना है, यू नीड टू रिक्वायर्ड सच डॉक्यूमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ IBA 19। सो मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में चाहिए आपको, मैक्सिमम 1 MB का होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में, 3 ईयर्स LLB सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया है तो प्रोविजनल इशू हो जाएगा तो वो भी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, सिग्नेचर, ठीक है। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में आपको इनरोल होना चाहिए, उसका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर बिलोंग टू डिजेबल कैटेगरी देन डिजेबल कैटेगरी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद साइनअप करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप गो थ्रू कर लेना और वीडियो को रोक कर ये सारे आप पढ़ लेना कि विजिट करने के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है, एप्लीकेट का नाम होगा, ठीक है, उसके स्टेट बार काउंसिल का जो भी है उसमें इनरोलमेंट सर्टिफिकेट इंटर करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड चूज करना है, उसमें स्पेशल करेक्टर एड्रेट वगैरह लगाकर आपको चूज करना है, ठीक है। कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे, आपको OTP आएगा, OTP इंटर करके वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करके आगे प्रोसेस करना है। उसके बाद फिल करना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट जो भी आप ऊपर बताया गया है उसको अपलोड करने का प्रोसेस आएगा सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको रिव्यू करके चेक कर लेना है कि हाँ पार्टिकुलर सेक्शन में पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोडेड है या नहीं है, ठीक है, बिफोर सबमिशन से ये आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है। फिर देन थर्ड स्टेप आएगा पेमेंट करने का। पेमेंट करने के लिए लॉगिन करने के बाद, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस होने के बाद, आपको पेमेंट बटन पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। सक्सेसफुल जब हो जाएगा तो आपको जो कंसर्न ईमेल आईडी है उस पर एक मेल आएगा, तो मेल जो है आप स्पैम बॉक्स में भी चेक कर लेना, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट इनबॉक्स में ना आकर स्पैम बॉक्स में भी जाता है, स्पैम मैसेज में, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंट करके आपने जो है पेमेंट होने के बाद डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना, जो भी पॉपअप आया गया है फिर स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, ओके। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग आपको पेमेंट में, तो हेल्प डेस्क लिखा हुआ वहाँ पे क्लिक करके आप हेल्प डेस्क में मेनू में जाकर आप वो कर सकते हैं, क्वेरी अपना अरेंज कर सकते हैं। तो 3 स्टेप है बिफोर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 स्टेप है। डॉक्यूमेंट सारे चीज़ें आपको चाहिए, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट एक बार देख लेते हैं फिर से क्या क्या, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, LLB का 3 ईयर्स का प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर इस स्पेशल पास आउट हुए हो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, सारे का PDF ही चाहिए, ठीक है, PDF ही बेस्ट रहेगा। बाकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर का JPG और PNG के फॉर्मेट में आपको होना चाहिए, बाकी का सबका PDF, ठीक है, यानी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, ओके। सो ये सारे डॉक्यूमेंट मोबाइल में जिस डिवाइस से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देन साइनअप का प्रोसेस है, साइनअप का प्रोसेस करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद योर रजिस्ट्रेशन will be successful then
यू हैव टू प्रिपेयर योर फॉर योर एग्जाम, क्योंकि 45% ओबीसी और जनरल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है और 40% एसटी और एससी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो चलिए अब रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस देखते हैं कैसे कैसे करना है। यहाँ पे जो लिंक दिया दिया जाएगा उस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। लेट्स लॉग आउट फर्स्ट। तो लिंक जो दिया जाएगा उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, रजिस्टर हियर। रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे तो अपना नाम एज पर आधार नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, पासवर्ड आपको एटलीस्ट मिनिमम 7 कैरेक्टर का होना चाहिए और सिंबॉलिक भी होना चाहिए। तो उस पर करने के बाद लॉगिन कंटिन्यू करेंगे तो आपको ओटीपी मांगा जाएगा। तो इंटर करने के बाद ओटीपी सक्सेसफुल हो जाएगा तो कुछ ऐसा मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, प्लीज़ लॉग इन टू फिल द एप्लीकेशन। उसके बाद अब लॉग इन करना है, जो भी आपने पासवर्ड डाला था योर ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी और एन पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा, इसे कंटिन्यू करोगे तो इसे आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाल के फिर पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। रिमाइंड मी पे कर लेना क्लिक, ताकि जब भी लॉग इन करो तो आपको डायरेक्ट लॉग इन करने का ऑप्शन आ जाए, ठीक है। तो इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको ईमेल आईडी के साथ मोबाइल नंबर दिखेगा, उसके बाद एग्ज़ाम में सिलेक्ट करोगे तो 19AEBA करके आएगा, उसको सिलेक्ट करना है। एप्लीकेंट का फुल नेम, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी में आपने जो कैटेगरी है वो क्लिक करना है, फिर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी प्रूफ है वो चाहिए वो पे क्लिक करना, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है, जो भी है आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ऐड, सारे क्लिक करने के बाद आगे आएगा। आगे जब प्रोसेस करोगे तो देन सेकेंड स्टेप आएगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, सारे डॉक्यूमेंट जो बताया गया है स्टार्टिंग वीडियो में उसको अपलोड करके फिर देन प्रोसेस करोगे, देन आएगा आपको पेमेंट करने का ऑप्शन। वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट करना, पेमेंट करने के बाद जो है आपको मैसेज आएगा कंसर्न मेल में, आप स्पैम फोल्डर में भी चेक करना, ठीक है, अगर डायरेक्ट इनबॉक्स में नहीं है देन उसको प्रिंट करके सेव कर लेना। लॉगिन करके फिर उसके बाद जो सारे डिटेल्स चेक कर लेना, उसमें दिखाएगा कि हाँ यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली करके, ठीक है। थैंक यू सो मच।